हेलो दोस्तों वेलकम बैक प्रदीप सो आई एम किए उसके अंदर हमने क्या देखा सीएफ के रिलेटेड सारी थिंग फंक्शंस के रिगार्डिंग कैसे निकालते हैं कौन सा पार्ट होता है क्या उसके जनरल फॉर्मुला जनरल सॉल्यूशंस कैसे हम निकालते हैं बाकी सारी चीजें ओके बट सिर्फ सी एफ निकाल के तो हमारा काम नहीं होने वाला हमारा जनरल सोल्यूशन क्या कहता है सी एफ प्लस पी आई कहता है पी आई इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इंटीग्री सी एफ निकाल के तो आपको आधे ही मार्क्स मिलने वाले हैं पूरे मार्क्स निकालने के लिए तो आपको फाइंड आउट करना है पी आई दैट इज हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट रहता है वो तो अब ये जो पी आई है इसे हम कैसे निकालेंगे बताए इसके ऊपर भी टाइप्स है हमारे पास और सारे टाइप्स को हमें कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है

सो प्लीज पे अटेंशन टू वॉर्स दिस अगर पसंद आएगा तो क्या करोगे सब्सक्राइब करोगे चैनल को वीडियो को लाइक करोगे एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओगे एंड वैसे वन शॉर्ट वीडियो जो हमारे भैया ने कहा था वो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी पॉसिबल होगा आप सभी को मिल जाएंगे एंड उसके ऊपर भी हम काम करेंगे सो so, आज वाले सेशन में हम सिर्फ इसमें से एक टाइप देखेंगे अब ये जो टाइप्स है ना टाइप भले दिख रहे इतने छह टाइप्स है छह नहीं इसको एक ही टाइप हम कंसिडर करते तो चार टाइप्स है समझ लो इन चारों टाइप्स में पर्टिकुलर केसेस है इनके उ, अंदर भी केसेस है जैसे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं रेस टू एक्स पढ़ेंगे राइट इसके ऊपर में क्वेश्चन देखेंगे अब इसके अंदर हमारे पास तीन केसेस है अब आपको क्वेश्चन जजमेंट आना चाहिए आपको हर चीज आनी चाहिए नाउ वी आर इंजीनियर ना सो लेट अस बिगिन

यहाँ पे हमारा चेंजेस वहां पे हमने जर्नल जब देखा था तो वहां पे क्या था क्यू वॉट इज दिस क्यू यहाँ पे क्यू वेरी करेगा टाइप टू टाइप हाथ जो हम टाइप पढ़ रहे हैं सॉरी आज जो हम टाइप पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा कौन सा e है रेस टू एक्स इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट को इसका ले सकता है अब इसकी वर्किंग रूल को देख लेते हैं कि एक्चुअली हमें निकालना कैसे है यहाँ पे देखो दो वर्किंग रूल्स दिख रहे होंगे आपको सबसे पहला जो है समझ लो ये आपके पास एफ ऑफ डी है हमारा जो नॉर्मल सा दिया होगा जो आपको वो इक्वेशन है जो भी इक्वेशन दिया रहेगा हायर ऑर्डर के फॉर्म में वो है अब हमें पता है हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हम इस फॉर्म में लिखते हैं डी वाले फॉर्म में और अगर यही हमें ऑक्सिलरी लिखना रहता है तो हम कैसे लिखते हैं उसे एम वाले फॉर्म में लिखते हैं और जब हम ऑक्सिलरी लिखते हैं फिर उसके बाद हम हमारा सी एफ डिपेंडिंग अपॉन द रूट की वैल्यू रियल डिस्टिंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा एंड वी कैन फाइंड आउट द थिंग्स अब हमारा जो पी आई होता है ना वॉट इज दिस दिस इज एक्चुअली जो हमारा गिवन क्वेश्चन होता है ना उसे हम डिवाइड मतलब नीचे लाते हैं डिनोमिनेटर में लाते हैं यहाँ पे देखो ये जो एग्जैक्ट थिंग है ना इसे हम डिनोमिनेटर में लाते हैं और ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ना हमारा e rest, <coughs> AX जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं उसे ऊपर लिखते हैं यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्म में लिखा है प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज इट इज जस्ट लाइक इ रेस्ट टू एक्स अपॉन एफ ऑफ डी ऐसा ही है वो बस प्रोडक्ट में लिखा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है ना इसका पी एफ पी आई क्या होगा पता है ये पर्टिकुलर माइट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग बट इसमें हमने क्या किया है पता है ये जो ए की वैल्यू है ना इेस टू एक्स ए क्या है कॉन्स्टेंट है कुछ भी हो सकता है जैसे कि अगर यहाँ पे ई रेस टू टू एक्स था तो हमारा ए क्या हो जाता टू हो जाता टू इक्स होता तो हमारा ए क्या हो जाता वन हो जाता वो जो ए की वैल्यू है वो हमारे हर एक वैल्यू जहां जहां पे डी होगा ना वहां वहां पे वो वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेगी जैसे कि समझ लो अगर मेरे पास ये कोई एक इक्वेशन है सॉरी डी के फॉर्मेट में है ना समझ लो मेरे पास ये कोई एक इक्वेशन है हमारे पास इस हम e रेस टू x दिया है समझ लो तो हमारा a क्या हुआ वन हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है हर जगह पे जहां जहां पे d है वहां वहां पे वन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस टू इन टू तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आप लिख दो वन प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू फोर आ जाएगा तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया वो इसे ही हम कैसे लिखते हैं 1 अपॉन f ऑफ a जहां पे d था वहां पे क्या पुट करना है a पुट करना है डिनोमिनेटर दिनौ, में और ऊपर का पार्ट तो एज इट इज रहेगा व्हेन या आर वेयर f ऑफ a जो है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए सही सुना यानी डिनोमिनेटर में से e रे टू ax है ना तो यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो और अगर समझ लो सेवन जो ऐसे केसेस है कि वहां पे जीरो आ गया तब आप क्या करोगे तब उसके लिए भी हमारे पास केस है यानी कि सपोज एफ ऑफ ए यानी कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास जीरो आ रहा है तो इसे मत देखो <laughs> ये तो बुक में लिखा था सो so, लाइक लिखा है तक <laughs> फॉलो करते हैं लोग तो यहाँ पे आपको क्या करना है पता है ऊपर ना न्यूमरेटर में एक्स से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर में x से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में ना उसका डिफ्रेंसिएशन लेना रहता है आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा सो लेट अस गो टू वर्ड्स अ सम यहाँ पे देखो एक छोटू सा सम दिया है यहाँ पे d माइनस वन सेकेंड डी माइनस वन इंटू आई इक्वल्स टू ई रेस टू टू दिया है ना अब हमें क्या करना है हमें सिम्बॉलिक फॉर्म में दिया है सबसे पहले सी एफ निकालते नो फर्स्ट स्टेप निकालो then proceed करो, क्योंकि जनरल सोलूशन टू सी एफ प्लस पी आई तो क्या करो सबसे पहले सी एफ निकालो देन पी आई के ऊपर जाएंगे तो सी एफ क्या होगा सी एफ के लिए वी नो हमें इसको ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना ऑक्सिलरी मतलब कि डी को एम से रिप्लेस कर दो

अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा सबसे पहले ये आ जाएगा तो ये क्या है टू तो है? है, तो e लिखना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा टू माइनस वन दैट इज इक्वल टूज टू टू एक्स अपॉन वन ओके इसका मतलब क्या आ गया आपके पास सिर्फ इू एक्स बचा आपको पी आई की वैल्यू क्या मिली हमारे इरेस टू टू एक्स अब हमें पता है क्या मिला? Erase to, 2X मिला. ये हो गया आपका आंसर जनरल आपका हो गया सी वन इरेज टू एक्स प्लस टू सॉरी इरेज टू टू एक्स बट ये तो नॉर्मल था क्वेश्चन था अब समझ लो यही सेम क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया ऊपर डी माइनस वन वाई यही सेम क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया बस थोड़ा सा चेंज किया क्या किया वहां पे e था यहाँ पे मैंने e 2, पे e था ना? यहाँ पे मैंने क्या लिखा इक्स e लिखा अब सेम प्रोसेस से करके देखो सी एफ निकालने के लिए क्या करोगे ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करोगे एम की वैल्यू क्या मिली वन मिली यानी कि हमारा सी एफ क्या होगा सी वन और ए आई सी वन इरे पी आई की तरफ जाते हैं इेस टू एक्स क्या है A, A की वैल्यू क्या है हमारे पास वन है इतनी तो समझ गए यहाँ पे क्या आएगा डी माइनस वन एफ ऑफ डी फिर उसके बाद हमें क्या करना इरेज टू एक्स अपॉन एफ ऑफ ए कर रहे हो यानी वन माइनस वन अब देखो यहां पे

न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है उसे तो अब इसका क्या हो जाएगा एक्स इरेज टू एक्स ना वट इज वाई सीवन इरेज टू एक्स प्लस एक्स इरेज टू एक्स हो गया अब इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद वन आया वन को तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या बचा एक्स ई रेस टू एक्स बचा एंड इसकी वजह से हमारा जो जनरल सोल्यूशन हो गया वो क्या हो गया ये वाला पर्टिकुलर पार्ट पार्टनर इफ यू वॉन्ट रेस टू एक्स बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा सी वन प्लस एक्स बचेगा समझ में आया दोनों -दो केसेस हमने कवर किया बट स्टिल लेट अस हैव अ लुक ऑन थ्री डिफरेंट केसेस ऑन दिस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड दैट इज ई रेस टू एक्स आगे बढ़ते, हमारे <coughs> पास है है लिखा कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा वो डी के फॉर्मेट में वाई हमारा कॉमन रहता है इक्वल्स टू वन अब ये जो वन है ना यहाँ पे कॉन्स्टेंट है अब ये वन है, है ये देखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू इ रेस टू जीरो अब इरेस टू जीरो लिखो लाइक तो ए like की वैल्यू निकालनी है विद ए वाला टर्म ना बिकॉज वो कैसे होता है इरेज टू एक्स होता है तो इस फॉर्मैट में वन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उसे लिखते हैं इरेज टू जीरो एक्स ज्यादा कुछ नहीं है बस इतना ही था नॉर्मल सा सो so, सबसे पहला सब हम यहाँ पे देखते हैं यहां पे देखो बी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू वाई प्लस वन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्सीजरी में तो ये क्या हो जाएगा कितना चाहिए टू और आपको ये माइनस थ्री आना चाहिए तो कैसे ऐसे आएगा वन एंड टू राइट यानी कि एम की वैल्यू अगर वन एंड टू होगी दै एम इज इक्वल टू वन एंड टू इन डिरेक्टली एम माइनस वन एम माइनस टू इज इक्वल टू डायरेक्टली किसी किसी को सॉल्व करने नहीं आता है हम लोग यूज करते हैं इसके लिए वी नो दैट थिंग तो फिर कैलकुलेटर उठाना गलती मत करना प्लीज कैलकुलेटर उठाना और करते बैठना आपको डायरेक्टली एम की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज वन एंड टू दू वन एंड टू दिस मीन द वैल्यू ऑफ एम इज सॉरी डिस्टिंक्ट एंड रियल अब ये दोनों होते हैं तो हमारा सी एफ क्या हो जाता है सी वन इज टू एक्स ए एम वन एक्स Plus C2 e M2X, जो की है 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 तो तो ये क्या हो जाएगा हो e e गया के ऊपर ना हमारा अब क्वेश्चन थो तो थोड़ा मेरा ऊपर जाएगा इधर तो क्या आएगा इरेज टू मैं पहले फॉर्मेट लिख देती हूँ हमें यहाँ जो नॉर्मल है वो इस फॉर्मेट में होगा अब हमारा ई रेस टू ए है ना तो हमने कैसे लिखा वन को हमने कैसे लिखा ई रेस टू जीरो के फॉर्म में लिखा वो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट हमारा नॉर्मल सा एफ ऑफ डी क्वेश्चन क्या दिया है आपको डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू बट हमें उसे लिखना कैसा है ई रेस टू एक्स अपॉन एफ ऑफ ए यानी कि जहां जहां पे d है वहां वहां पे a डालना है और हमारे a की वैल्यू क्या है जीरो है तो ये क्या हो जाएगा ई e रेस

बहुत ही नॉर्मल सा था ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर छोटा सा सम था बट ऐसे ही आते इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आता अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट केस एक्चुअली केस क्या कहना है यार केस का सिर्फ एक पर्दा डाला है दिस इज नथिंग लाइक दैट सिंपली आपको समझ में आ रहा है अब देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट केस एक हेडिंग डाल दी है बस और कुछ नहीं दी ई देट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ ऑफ डी

यानी वैल्यू क्या मिल गई आपको टू मिल गए so, let, let है, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको एम की वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्सिमेटली माइनस टू माइनस टू बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट है और एडिशन है दूसरा तो एम तो क्या मिला प्लस टू इज इक्वल टू जीरो यानी कि एम इज इक्वल टू माइनस टू एंड माइनस टू अब यहाँ पे देखो रूट रियल है लेकिन इक्वल भी है ना दोनों वैल्यू सेम है और जब ऐसे इक्वल होते हैं तो हमारे पास मिलता है C F I इक्वल्स टू C 1 प्लस C 2 x e raised to minus 2 x जब सेम होता है तो हम उसे इस फॉर्मेट में लिखते हैं राइट C F हो गया हमारे पास अब चलते हैं P I की तरफ P I क्या होगा P I will be equal to e raised to a x तो यानी e raised to 2 x upon

टी मिल गया सीधा सीधा मिल गया ज्यादा कुछ नहीं था इसमें वेरी नॉर्मल सब तो y क्या होता है सी एफ प्लस पी हमारा सी क्या मिला हमें सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू माइनस टू एक्स प्लस ई टू टू एक्स अपॉन सिक्सटीन हो गया जनरल सोल्यूशन वाई सिक्वल्स टू क्या मिला ये पर्टिकुलर मिल गया कितना नॉर्मल सब था <laughs> लेकिन अब ये नॉर्मैलिटी जो है ना इसे में कन्वर्ट करते हैं अब चलते हैं हम हम हमारे दूसरे सम के ऊपर जिसे हम, जिसमें हमने जो खाना है ना उसे ना ऐसे खाया ऐसे, ऐसे, ऐसे उल्टा उल्टा खाया क्यों डिग्री देखो कितनी है फोर अभी तक जितने हमने सम किए ना उसके अंदर मैक्सिमम टू डिग्री था या थ्री डिग्री था अब यहाँ पे जो ऑर्डर है जैसे क्वाड्रेटिक था क्यूबिक था अब ये फोर्थ वाले प्या तो आई डोंट थिंक सो हमारा कैलकुलेटर फोर्थ डिग्री का रूट्स निकाल के देता है मुझे एग्जैक्टली exactly तो पता नहीं है बट आई डोंट थिंक सो तो यहाँ पे ना आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे यस यू हर्ड इट राइट अब फोर्थ वक्त लेकर तो किसी को सिखाया नहीं गया था सो लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ डिग्री फोर और या ऑर्डर फोर जो भी आपको कहना है अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर ऑर्डर टू है तो दो रूट्स मिलते हैं अगर ऑर्डर थ्री है तो तीन रूट्स मिलते हैं अगर ऑर्डर फोर है तो फोर रूट्स मिलेंगे यानी कि यहाँ पे हमारे एम की कितनी वैल्यू मिलेगी अमी हमें फोर वैल्यूज मिलेगी देखो जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपको फोर्थ वाला पहले सॉल्व करना पड़ेगा उससे आपको एक रूट मिलेगा और एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी फिर आपको क्या करना पड़ेगा एक रूट मिल गया लेकिन वो जो क्यूबिक इक्वेशन है ना उसे सॉल्व करना पड़ेगा उससे आपको सेकंड रूट मिलेगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको नेक्स्ट दो रूट मिलेंगे और इन ऑल आपके हो जाएंगे ऐसे चार रूट्स एंड देन वो रूट्स अगर रियल डिस्टिंग जिस भी हिसाब से है उसके हिसाब से आपको सी एफ निकालना है एंड देन बी आई निकालना है बस इतना ही है बोलने में बहुत ईजी है करने में मजा आएगा चलो यहाँ पे देखो टाइप जो है ना एक और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ गई दैट इज ऑफ जो हमारा डिनोमिनेटर जो आएगा वो इक्वल्स टू जीरो है यानी कि फिर वो मल्टीप्लाई करोगे कुछ उसके बाद उसका विद रिस्पेक्ट टू डी निकालोगे एक सम ऐसा भी जरूरी है तो यहाँ पे अभी आप नोटिस करोगे सिम्बॉलिक वैल कन्वर्ट यहाँ पे देखो हाँ ए की वैल्यू कितनी हो गई वन हो गई अब ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करने के लिए एमब्रेस टू फोर प्लस एम क्यूब प्लस एम स्क्वाइनस एम टू इज इक्वल टू जीरो इतना हो गया अब रूट्स की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले ना जब आप रूट्स सब पहले देखो एम इज इक्वल्स टू वन एम इज इक्वल टू वन इस पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है पर्टिकुलर इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो करेगा क्या अब जब आप ये इक्वेशन देखोगे यहां पे m की वैल्यू अगर वन डालोगे ना Absolutely, yes, 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 वो कर रहा है क्योंकि देखो वन डाल दिया तो one to four, क्या होता है तो ये क्या 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 हो हो जाएगा जाएगा यार होता होता है Zero होता है M is equals to one, है यानी कि जो ना वो ये पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा अब सैटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे ना उस पर्टिकुलर थिंग को चार बार लिखेंगे बिकॉज वी नोट हमें वी नो हमें चार रूट्स मिलेंगे ना तो हम क्या करेंगे उसे चार बार लिखेंगे सो so, टाइम लिखते इसे तो ये क्या हो जाएगा जब आप इसे एम क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा एम क्यूब यहाँ पे देखो एम क्यूब नीचे लिखते भी जाती हूँ कि हमें कैसे मिलेगा एम क्यूब इंटू एम दैट इज इक्वल टू एम रेस टू फोर फर्स्ट टर्म मिल गया उतना हो गया नेक्स्ट टर्म जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल रहा है माइनस एम क्यूब मिल रहा है क्या मिल रहा है माइनस एम क्यूब मिल रहा है डू वी नीड माइनस एम क्यूब वी नीड प्लस एम क्यूब अब हमें यहाँ पे माइनस एम क्यूब है प्लस एम क्यूब करना पड़ेगा यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा माइनस टू एम क्यूब अब ये माइनस टू एम क्यूब जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस एम क्यूब मिल जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू एम क्यूब क्या लिख दोगे सिर्फ प्लस टू एम क्यूब लिख दोगे अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे वन सेकेंड सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्यूब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे देखो क्यूब चाहिए ना लेकिन यहाँ पे हमारे पास एम एक एग्जिस्टिंग है तो ये क्या हो जाएगा प्लस एम क्यू, टू क्यूब हो जाएगा तो हम हमारे पास ये पर्टिकुलर टर्म ये टर्म जब हमने टू एम स्क्र इंट्रोड्यूस करवाया तो हमारे पास टू एम क्यूब मिल गया जिसको करने के बाद हमें क्या मिल, गया? मिल गया अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास है इसे जब आप लिखोगे तो आपको क्या मिल रहा है टू एम स्क्वायर टू एम क्यूब मिल रहा है ये तो हो गया नेक्स्ट यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल रहा है टू एम माइनस टू एम स्क्वायर मिल रहा है क्या मिल रहा है माइनस टू एम स्क्वायर बट वी नीड प्लस टू एम स्क्वायर हमें क्या चाहिए प्लस टू एम इसके लिए हम क्या करते हैं तो इसका ऑपरेशन करोगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा. यानी कि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा प्लस थ्री एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि ये क्या जाएगा प्लस थ्री एम स्क्वायर नेक्स्ट क्या मिला माइनस थ्री एम मिलेगा माइनस थ्री एम ना यहां पे देखो आपके पास क्या है माइनस एम है माइनस थ्री एम नहीं है यानी कि आपको यहां पे रिक्वायर्ड होगा प्लस टू एम जब आप ये प्लस टू एम इंट्रोड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस एम मिल जाएगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे टू इंट्रोड्यूस कर दो प्लस टू इंट्रोड्यूस करोगे एंड देन यहां पे देखो ये अपने आप स्टेबिलाईज हो जाएगा टू इंटू माइनस वन क्या होता है माइनस टू होता है यानी कि मैं ये पर्टिकुलर थिंग रेस कर रही हूं ओके और यहाँ पे भी थोड़ी सी modifications करें। तो जब आपको ये इक्वेशन तो मिल गई पूरा इक्वेशन हमने लिख दिया इसके प्रकार से पूरा क्लब कर देना है। अब यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आपको क्या मिला क्यूबिक इक्वेशन मिला मैंने आपको कहा था ना आप क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा अब ये क्यूबिक इक्वेशन को इफ यू वांट आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो लेकिन हम एक बार देख लेते हैं कि क्यूब को भी कैसे पे पे क्या हो जाएगा तो है अब यहां पे देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इसे हम सॉल्व करते हैं अब कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो जाएगा पहले कह रही हूं नहीं करना ये मेथड तो मत करो तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा सेम ऐसा ही फॉर्मेट ढूंढना है आपको अब यहां पे जब आप सॉल्व करोगे ना आप नोटिस करोगे m इज इक्वल्स टू वन जैसे हमने ऊपर सब्सिट्यूट किया था ना वो यहाँ पे सैटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पे क्या सैटिस्फाई करेगा पता है m इज इक्वल्स टू माइनस वन जैसे ही आप पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में m इज इक्वल्स टू माइनस वन डालोगे ना ये सैटिस्फाई करेगा यानी कि आप वन को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा एम प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे वो कैसा था है एम माइनस वन के फॉर्मेट में हमने लिखा था ना ये हो जाएगा एम प्लस वन हमारा फर्स्ट रूट होगा इसका ऐसे हमें इसको कितना बार लिखना पड़ेगा थ्री टाइम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्यूबिक में कितने होते हैं थ्री रूट्स होते हैं है, हमें तीन बार लिखना पड़ा फिर अब हम आए हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर अब एडजस्टमेंट करोगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे शिफ्ट कर देती हूँ एम प्लस वन यहां में हमें एम क्यूब चाहिए हम क्या करेंगे एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो गया एम क्यूब हो गया नेक्स्ट टर्म क्या मिला एम स्क्वायर हम एम स्क्वायर चाहिए क्या वी वॉन्ट टू एम स्क्वायर अब ये टू एम स्क्वायर को लाने के लिए हम क्या करते हैं प्लस एम स्क्वायर करते हैं प्लस एम स्क्वायर किया यानी कि यहाँ पे क्या चाहिए आपको प्लस एम चाहिए क्या चाहिए प्लस एम चाहिए और नेक्स्ट क्या है वन सेकेंड सॉरी अब यहां पे नेक्स्ट टर्म क्या आया एम स्क्वायर मिल गया नेक्स्ट क्या आया आपके पास प्लस एम रहा है वॉट वी नीड इज प्लस थ्री एम यानी कि हम क्या करते हैं लेट अस डू प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस टू प्लस टू एम प्लस टू सेटिस्फाई हो गया इज इक्वल्स टू जीरो अब यहाँ पे आप देखोगे तो एम प्लस वन कॉमन है यहाँ पे आपको एक और टर्म मिल गया बाहर एम प्लस वन नेक्स्ट क्या मिला एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू इक्वल्स टू जीरो अब अब ये भी देखो, है, है, मैं कहा था आएगा, से से दो रूट मिलेंगे, आप आप कर सकते सकते हो हो? में करना करो हमारे चलो तो कैसे लिख किससेफाई होगा उसके पर डिपेंड करेगा अब यहाँ पे मजा आएगा अब इसके डायरेक्ट फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट टू सब वन नहीं अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए हमें ये करना पड़ेगा चलो दो रूट्स तो मिल गए थे तो और रूट्स के लिए इतना बड़ा करना पड़ेगा नेक्स्ट क्या है हमारे पास बी की वैल्यू क्या है हमारे पास ये कैसे आता है ए एक्सर प्लस बी एक्स प्लस सी तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे वन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर माइनस फोर ए क्या है वन है सी क्या है हमारे पास पॉजिटिव टू है नेक्स्ट टू इंटू वन तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस जो माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एट अपॉन टू दट इज वन माइनस एट माइनस सेवन यानी कि यहां पे माइनस सेवन जैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है यानी तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवन आयोटा आयोटा अपॉन टू तो ये क्या हो जाएगा एक वैल्यू हमें मिलेगी प्लस रूट सेवन ये वाली दूसरी वैल्यू हमें क्या मिलेगी एंड माइनस वन माइनस रूट सेवन आई अपॉन टू अपॉन टू अब चाहे जैसे आपको लिख रहा हो आप लिख सकते हो तो ये दो रूट्स मिले इसके अलावा हमें क्या रूट्स मिले एम प्लस वन मिला और एम माइनस वन मिला यानी कि एम की वैल्यू एक बार वन है और एक बार माइनस वन है और उसी के साथ चलिए उसी के साथ ये दोनों वैल्यूज भी है चार वैल्यूज हमें हमें हमारे मिल गए 1 by 2, minus root 7 I by चार वैल्यूज मिल गए बट वैल्यूज से तो पेट नहीं भरने वाला अब हमें क्या करना पड़ेगा इसे सी एफ निकालनी पड़ेगी तो सी एफ कैसा होगा ये दोनों तो रियल एंड डिस्टिंग है तो इसके साथ तो नॉर्मली मम्मी क्या हो गया इसके साथ तो नॉर्मली हम कर देंगे लेकिन दोनों जो है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट वाला है इमेजिनरी रूट है इसके अंदर तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा वो अल्फा एंड बीटा वाला फॉर्मेट याद आ रहा है अल्फा प्लस i बीटा तो इसकी वजह से हमारा अल्फा क्या है यहाँ पे माइनस वन बाई टू है बीटा क्या हो जाएगा रूट सेवन बाय टू हो जाएगा सो लेट अस राइट सी एफ यहां से लिखते हो सी एफ क्या आएगा हमारे पास सी वन ई रेस टू पहली वैल्यू क्या है वन है रेस्टू एक्स प्लस सी टू ई रेस्टू दूसरी वैल्यू क्या है माइनस वन एक्स माइनस एक्स सॉरी माइनस एक्स प्लस सी थ्री अब इन दोनों के लिए क्या लिखोगे थ्री सॉरी सॉरी ई रेस्टू अल्फा एक्स आता है ना तो रेस्टू अल्फा एक्स आएगा यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा e की वैल्यू क्या है माइनस वन बाय टू इंटू एक्स यानी कि माइनस एक्स बाय टू वो तो हम डिरेक्ट लिख सकते हैं माइनस एक्स बाय टू नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या आता है सी थ्री कॉस बीटा एक्स बीटा क्या है प्लस सी एफ हमें मिल गया काफी बड़ा था लेकिन अच्छा था अब हमें करना है हमारा पी आई अब पी आई क्या कहता है एक्स अपॉन एफ ऑफ डी

तो आपको जो डिनोमिनेटर है ना एफ ऑफ ए क्या मिलेगा सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर में हमें इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा न्यूमिनेटर को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट नीचे आप विद रिस्पेक्ट टू डी डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा डी रेस टू फोर एम वट इज एक्स रेस टू एम जब हम एक्स रेस टू एन का डिफ्रेंसिएशन निकालते तो वो क्या हो जाता है ऐसा हो जाता है ना एन को हम आगे ले लेते और एन रेस एन माइनस वन हो जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर डी क्यूब हो जाएगा ऐसे ही नेक्स्ट टर्म का लोगे तो क्या हो जाएगा थ्री डी स्क्वायर हो जाएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म लोगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू डी हो जाएगा माइन डी का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको वन मिलेगा टू कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा अब आपको क्या करना है अब आपको वैल्यूज लिखनी है अब वो कैसे करोगे तो डी की जगह पे वन रखना है फेर है ना एक वैल्यू क्या है वही रह गई अब हमें क्या करना है डी की जगह पे वन रखना है तो 1 1. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा तो 7. 7 9. 9 so, e तो अब ये हमारे पास क्या हो गया हमारा पी आई हो गया ना वॉट इज आर सॉरी वट इज आर जर्नल सोलूशन सी एफ प्लस पी आई

सारे ले लिए हैं बट वन शॉट या फिर प्रैक्टिस सेशंस में हम और क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे ओके कंसेप्चुअली एंड सम्स के हिसाब से होप्स so आपको समझ में आया होगा एंड आया है तो प्लीज लाइक करना वीडियो को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड स्टे यून विथ प्रदीप गिरी एकेडमी बाय बाय